हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यमी लाइफ। सो आज हम बनाने जा रहे हैं भटूरे, जो कि एकदम मार्केट स्टाइल बनेंगे और फूले हुए बनेंगे। जनरली ये रहता है लोगों के, फूले हुए नहीं बनते, तो मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बॉल और उसमें मैं डाल ले रही हूँ लगभग 2 कटोरी, जो है नॉर्मल साइज़ की जो कटोरियाँ रहती हैं घर पर। सो 2 कटोरी मैंने यहाँ पर ले लिया है मैदा। तो मैं देखो यहाँ पे हम डाल लेंगे और उसके साथ साथ अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ दही। तो दही जो है थोड़ी खट्टी होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दही ले लिया। तो लगभग दही जो है वो है 3/4 कटोरी जो है मैंने लिया है, 2 कटोरी और 3/4 कटोरी। एंड देन नमक मैंने ले लिया है थोड़ा सा, लगभग आधा चम्मच जो है नमक मैंने ले लिया है। इसको अच्छे से जो है हम नीट कर लेंगे, मिक्स कर लेना है अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा जो पानी है बीच में मिलाते रहना है आपको। बहुत हमें टाइट डो नहीं तैयार करना है, जैसे हम रोटी पराठे के लिए करते हैं, एक सॉफ्ट सा जो डो है हमको, वैसा डो जो है तैयार करना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है हमको। सो जो आपने देखा होगा भटूरों वालों का जो होता है काफ़ी पतला रहता है, बट घर पे जब हम बनाते हैं तो वो स्टिकी हो जाता है, फट जाता है, तो प्रॉपर बन नहीं पाता, तो हम उतना पतला भी नहीं बनाएंगे। साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इसको अच्छे से नीट कर लेना और ढक के रख देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो डालूँ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे जो है हमारे आधा घंटा हो चुका है, और मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगी जितना देर आप रख सकते हैं उतना देर रखिए, तो उतना ही हमारा जो ये डो है उतना ही अच्छा फूल के जो निकलेगा भटूरे बनाने पे। और उसको अच्छे से जो है आपको नेट करना है लगभग 4 से 5 मिनट तक। दही की जगह आप चाहे तो सोडा भी डाल सकते हैं, बट उसमें वो जो थोड़ा सा खट्टा वाला जो फ्लेवर है वो नहीं आ पाता है। तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पर लोइयाँ बना ली हैं और हल्का सा ऑयल ग्रीस करके ऊपर और नीचे की लेयर पर हम इसको बेल लेंगे। आप चाहें तो बेलिए, या तो हाथ से जो है इस तरीके से हमें स्ट्रेच करना है, इसको चारों तरफ से स्ट्रेच करके जो है हमें बनाना है, या तो बेलन की हेल्प से जो है धीरे धीरे, बहुत टाइट नहीं रखना है आपको, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो वो बीच में से जो है उसमें होल्स हो सकते हैं। तो धीरे धीरे जो है सारे साइड से हमें जितना स्ट्रेच हो सकता है उतना करिए, बहुत ज़्यादा पतला भी मत करिए, थोड़ा सा हम इसको थिक ही रखेंगे। आप देख सकते हैं इसकी जो साइड की लेयर है जो थिक ही है थोड़ी सी। तो ये देखिए हमारा जो है भटूरा तैयार है, और गैस का फ्लेम जब आप इसको फ्राई करने के लिए गैस पे रखेंगे तो गैस का फ्लेम जो है आपका बहुत ज़्यादा हाई रहना चाहिए, मीडियम या लो नहीं रहना चाहिए। तो मैंने देखिए उस पर डाल दिया है इसे, और इस तरीके से एक स्पैचुला लेके आप इस तरीके से जो है उसके ऊपर ऑयल जो है डालते जाइए। आपको प्रेस नहीं करना है, आपको सिंपली जो है डालते जाना है, वो अपने आप ही जो है फूल के निकलने लगेगा। अब इसको हम जो है पलट लेंगे, देखिए मैंने इसको पलट लिया है और प्रॉपर पूरी तरीके से जो है ये फूल के आ चुका है। आप देखिए इसमें जो है हम थोड़ी देर और इसको पका लेंगे, ताकि साइड के कॉर्नर्स भी जो हैं इसके पक सके। और ये देखिए हमारा जो भटूरा है बनकर बिल्कुल रेडी है। सो एकदम आपको टेस्ट जो है मार्केट टाइप का ही आएगा, दही अगर आप इसमें यूज़ करेंगे तो, और जितना देर तक रख सकते हैं उतना देर रखेंगे। तो होप आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।